तार वाला। किसका तार है? आपका है बाबूजी। खोलो तो, किसने भेजा है? क्या बात है? दीदी बता रहा है रंगून से, माया जिंदा है बाबूजी। क्या माया जिंदा है? मेरी माया जिंदा है? राधा राधा क्या बाबूजी? क्या हुआ? मैं राधा को बुलाता हूँ। ना, उसे न बुलाओ, उसे न बुलाओ। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। बेटा हरीश, भगवान न जाने हमारी परीक्षा क्यों ले रहे हैं। राधा की जिंदगी के साथ किस्मत ने खेला है बेटा, किस्मत ने खेला है। अगर उसे मालूम हो गया कि माया जिंदा है तो वो कभी माया के रास्ते में नहीं आएगी, अपनी जान दे देगी। और अगर माया को मालूम हो गया कि तुम्हारा ब्याह राधा से हो चुका है तो वो भी नहीं चाहेगी कि वो राधा के रास्ते में आए। मेरी समझ में नहीं आ रहा बाबूजी, अब मैं क्या करूं? मेरी समझ में आ रहा है, बस अब एक ही उपाय है और वो तुम्हारे हाथ में है। राधा को ये कभी भी मालूम न होने पाए कि माया जिंदा है, और माया को कभी पता न चले कि तुमने राधा से ब्याह कर लिया है। लेकिन बाबूजी ये कैसे? अब ये मैं नहीं जानता कि तुम उन दोनों को अलग अलग रख के किस तरह से अपना जीवन बिताओगे, लेकिन हरीश अब तुम्हें यही करना पड़ेगा। मुझे वचन दो कि तुम ऐसा ही करोगे हरीश, मुझे वचन दो ताकि मेरी आत्मा को शांति मिले। हरीश, दोनों मेरे बच्चे हैं, दोनों मेरी दो आंखें हैं। देखना हरीश, कभी इन आंखों में आंसू न चल जाए। मुझे वचन दो, मुझे वचन दो, मुझे वचन दो। मैं वचन देता हूँ बाबूजी, मैं वचन देता हूँ। क्या हुआ बाबूजी? क्या हुआ बाबूजी? बाबूजी, राधा, 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 क्या हुआ? बाबूजी हमें छोड़ के चले गए। उस महापुरुष को दिया हुआ वचन निभाने के लिए आज 22 साल से मेरे दिल को जो पीड़ा होती रही है वो मैं ही जानता हूं। छोटी बहन को यह ना बता सकना कि बड़ी जिंदा है, और बड़ी से यह भी ना कह सकना कि छोटी मर गई। इस दुविधा में फंसकर मुझे जो कुछ सहना पड़ा है शायद भगवान भी उसे नहीं सह सकता। जब कभी माया पूछती थी कहां है मेरी बहन, कहां है मेरी बहन, तो दिल रो उठता था कि अब मैं उसे क्या जवाब दूं। कई बार जी में आया कि कह दूं सारी बातें, पर हिम्मत नहीं हुई कभी। संदीप साहब, आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया जो मेरी बेटी को घसीट कर यहां लाए और मेरे पैरों पर पटक दिया। अगर आप ऐसा नहीं करते तो इस दिल की घुटन को बाहर निकलने का कभी मौका नहीं मिलता। मैं आपका बहुत 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 आभारी। माया, इधर आओ। क्या मैंने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है? नहीं। क्या राधा से शादी करके मैंने कोई पाप किया? नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं कहूंगी। तुम्हारे साथ मेरा ये सुखी संसार, मेरी ये गृहस्थी, सब उसी का दिया हुआ दान तो है। कहाँ जा रही दीदी? अब मैं यहाँ रहकर क्या करूंगी? बेचारे बिना माँ के बच्चे वहाँ अकेले पड़े हैं। नहीं दीदी, तुम उन सब बच्चों को यहीं ले आओ, साथ जग्गू को भी लेती जाओ। जरा ठहरो माँ। अब सिर्फ आपके दिल में एक छोटी सी शंका बाकी रह गई है ना, आइए
मैं उसका निवारण कर दूं। आइए ना, आइए। ये लीजिए। पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी आज्ञा को तोड़ा है। कमला निर्दोष है। हैं? खन्ना साहब, आप लाखों में एक हैं। माफ कीजिए, हम लोगों ने आपको गलत समझा था। समझी साहब, अब तो मुझे आपके सामने खड़े होते हुए भी शर्म आती। मुझे माफ कर दीजिए। आप क्या कर रहे हैं? आपका इसमें कोई दोष नहीं, ऐसा तो दुनिया में होता ही है। क्यों स्टेशन मास्टर साहब, आपकी क्या राय? तीन इंजन लाइन पर तैयार खड़े हुए हैं, बस डिब्बों को जोड़ना बाकी है। हुक्म हो तो जोड़ दिए जाए। ठीक है, अगर आप दोनों को मंजूर है तो। प्रिंसिपल साहब, खन्ना साहब ने हरी झंडी दिखाई, अब शुभ काम में देर नहीं होनी चाहिए।